हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी का चैप्टर 5 पढ़ाऊंगी। उसका नाम है संज्ञा। संज्ञा को नाम बताने वाले शब्द भी कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो इसको नाउन नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि संज्ञा किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने इसको कई बार पढ़ा दिया है। इंग्लिश में भी डेली कई वीडियोज़ बना के डाले हैं। हिंदी में अब जब ये चैप्टर वाइज आ ही रहा है, लाइन से करवा ही रही हूँ, तो इसका मैं आपको पढ़ा देती हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, जाति, भाव आदि सबका पता चले, सबके नाम का पता चले, वो शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि हमको पता है इस संसार में जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो वस्तु हो, मनुष्य हो, प्राणी हो, भाव हो, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है। सबको किसी ना किसी नाम से हम जानते हैं, वही नाम संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम पहला एग्जांपल ले लें व्यक्ति का, तो व्यक्ति में आदमी, औरत, उनके नाम सभी आते हैं। जैसे कि हमने कहा कि राम हो गया, श्याम हो गया, राधा, गीता, मोहन, सुधा, लड़का, लड़की, ये सारे सभी व्यक्ति में आते हैं। वस्तु जिनमें जान नहीं होती है, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कॉपी, किताब, साइकिल आदि, जिनमें जान नहीं है, बेड, सोफा, अलमारी, ईंट, लकड़ी, ये सभी चीज़ें वस्तु में आती हैं। उसके बाद स्थान, हमको पता है कि स्थान जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, जहाँ हम घूमने जाते हैं, जहाँ हम इंजॉय करने जाते हैं, जहाँ हम सब्जियाँ लेने जाते हैं, जहाँ हम सामान खरीदने जाते हैं, तो इन जगहों को जहाँ पर ये सब चीज़ें मिलती हैं उनको स्थान कहा जाता है। जैसे हम कहाँ रहते हैं, घर में, मंदिर, बाजार, मेला, स्कूल, गाँव, गाँव का नाम सोहरामू, जैसे कि गांव का नाम, स्थान का नाम, जिला का नाम, शहर का नाम, देश का नाम, ये सभी स्थानों के नाम हैं। उसके बाद आते हैं प्राणी। प्राणी में हमको पता है मनुष्य भी प्राणी है, जीव जंतु भी प्राणी है, कीट पक्षी पौधे ये कीट पक्षी ये सभी प्राणी हैं। भाव, भाव वो होते हैं जिनको हम देख ना सकें, बस महसूस कर सकें, वो सभी भाव होते हैं, उनको भी किसी ना किसी नाम से जाना जाए। सभी भाव एक नाम के नहीं होते, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमको जब कुछ नहीं दिखाई देता है तो उसको उस भाव को हम नाम दे देते हैं अंधेरा। जैसे हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है तो हम उस भाव को नाम दे देते हैं उजाला। जैसे कि छोटा बच्चा है तो वो बचपन उसका चल रहा है। जैसे कोई लड़का बड़ा हो गया तो हम कहते हैं तो उसकी जवानी चल रही। तो ये सभी भाव हैं, ये सभी भाव जो हैं एक जैसे नहीं होते हैं, ये समय के अनुसार बदलते जाते हैं। अब इसके बाद हम आएंगे, ये हमने कुछ ये एक वर्कशीट बनाई हुई है, इसको आप लोगों को करना चाहिए। इसमें संज्ञा शब्द भरना है, जिसका जिसका नाम पूछा जाए वो भरना। से मेरा नाम क्या है, जो आपका नाम हो आपको नाम फिल करना। जैसे मेरा नाम प्रांजलि है तो मैं अपना नाम भरूँगी, मेरा नाम प्रांजलि है। फिर मेरे पिताजी का नाम, उनका नाम भी अलग होगा, मेरे पिताजी का नाम रमेश सिंह है, मेरी माताजी का नाम सरोज सिंह है, मेरे देश का नाम भारत है, मेरे स्कूल का नाम कुछ भी कह लो, जैसे मैंने अवध कॉलेजिएट से किया हुआ तो मेरे स्कूल का नाम अवध कॉलेजिएट है, मेरे शहर का नाम लखनऊ है, मेरे प्रिय मित्र का नाम, जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं तो उनमें से कोई भी नाम ले लो, जैसे मैंने कह दिया मेरे प्रिय मित्र का नाम गुड़िया है, तसरीन है, ये सभी मेरी फ्रेंड्स हैं, और भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, ये तो करंट वाली हैं इसलिए मैंने नाम ले लिया। मेरी टीचर का नाम, जो आपकी फेवरेट टीचर, किसी की मेल टीचर फेवरेट होगी या फेवरेट नहीं या टीचर ही बोला, किसी की मेल होगी, किसी की फीमेल होगी, तो मेरी अगर मेल होगा तो मेरे टीचर का नाम मिस्टर ये है, मिस्टर जैसे कि हमने कह दिया योगेश है, या फिर कह दिया मेरी टीचर का नाम मिसेज अरुणिता है, या कुछ भी कह लो, ठीक है। उसके बाद ये देखो हमने पहेली बनाई हुई है, तो इसमें आपको इन वर्ड्स इन लेटर से आपको शब्द बनाना है, वो भी उनका नाम होना चाहिए तभी तो वो संज्ञा बन पाएंगे। जैसे हमने कहा ट ज हा, कुछ नाम नहीं बन रहा है, लेकिन अगर हम कहते जहाज, ये एक नाम बन गया और सब लोग जहाज तो जानते ही हैं। फिर उसके बाद अगर हम ऊपर वाले
वर्णकुलीन, तो टमाटर, एक टमाटर नाम बन गया। फिर उसके बाद अगर हम कह दें छाता, छाता नाम बन गया। औरत, औरत नाम बन गया। उसके बाद अगर हम कह दें नर, नर नाम बन गया। नथ, नथ नाम बन गया, ये नाक में पहनी जाती है। खत, खत मीन्स चिट्ठी नाम बन गया। कमल, कमल नाम बन गया। लेकिन जनाल की क्या है, ये नाम नहीं बना, तो ये संज्ञा नहीं होंगे। जो जो नाम बने वो संज्ञा होंगे, अदरवाइज वो संज्ञा नहीं होंगे। उसके बाद अगर देखो और कुछ बन रहा कि नहीं बन रहा, जैसे आ, क, क, नू नहीं बन रहा है, टकम नहीं, मा, आ नहीं बन रहा है, और क्या नहीं बन रहा है, देखो लध कुछ नहीं बन रहा, और नहीं बन पा रहा, नार, नार, छार, छार नहीं बन रहा है, फिर हा, आम नहीं, नहीं ये नहीं बन रहा है। इतने वर्ड जो जो हमने बताए, जैसे टमाटर, छाता, औरत, नथ, नथ, रत, नर, ठीक है, जहाज, कमल, कमल, ये सभी नाम बन रहे हैं, तो ये सभी नाम संज्ञा हो गए। ठीक है, ये इतना हो गया। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी कि संज्ञा के प्रकार होते, इसी का सेकंड पार्ट है संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, उसमें से मैं आपको भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना सिखाऊंगी। थैंक यू, बाय।